धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सत्संग जब तक इंसान आता नहीं खुद के बारे में, समय के बारे में और इंसानियत के बारे में कुछ समझ नहीं सकता। हर इंसान के अंदर होता है, वो सब कुछ जानता है। कोई भी इंसान जो अकल बुद्धि विवेक रखता है कभी यह नहीं कहेगा कि उसे कुछ नहीं आता। कह भी देगा तो ऊपरी मन से, अंदर सोच होती है कि उसे सब पता है। और बहुत हद तक लोगों को पता भी होता है, लेकिन खुद के बारे में कितना पता है यह सत्संग में आके पता चलता है। जब संत समझाते हैं, जब संत सिखाते हैं कि दुनिया का ज्ञान रखने वालों कभी खुद का भी ज्ञान रखा करो, आप में कौन से विचार ज्यादा चलते हैं, आपकी सोच में कौन सी सोच ज्यादा चलती है, आप जो कर्म योगी हैं कौन से कर्म ज्यादा करते हैं, इसके लिए जानना बेहद जरूरी है। जब हम सब अपने बारे में जान लेंगे तो आत्मज्ञान कहा जाता है, फिर वो शुरू होता है। जब तक खुद का ज्ञान नहीं तो खुद की आत्मा का ज्ञान कहां से मिलेगा। इसलिए सुबह शाम सुमरण जरूर करें, 10 मिनट सुबह, 10 मिनट शाम, और कोशिश करें कि एक समय ऐसा जरूर दें जिसमें आप खुद के बारे में सोचें। 24 घंटे आप इस शरीर से काम लेते हैं, दिमाग से काम लेते हैं, क्या 5-10 मिनट बनते नहीं? खुद के बारे में सोचो, सिर्फ और सिर्फ आत्मज्ञान हासिल करो। काम अलग अलग है, कोई हार्ड वर्क करता है, कोई नींद लेके काम टाइम पूरा करता है, कोई बहुत मेहनत करता है तो कोई आलस्य में डूबा रहता है। पर 24 घंटे चलते तो हैं, रुकते तो नहीं। आप रुक गए इसका मतलब ये नहीं है कि समय रुक गया, समय हो गई, चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह हो गए, पृथ्वी हो गई, समुद्र की लहरें हो गई, ये कभी रुकती नहीं। निश्चित समय के अनुसार ये चलते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो आप रुको चलो आपकी मर्जी, समय आपका इंतजार नहीं करता। तो कर्म आप करते हैं, समय आप व्यतीत करते हैं, तो 5-10 मिनट रात को सुबह एकांत में बैठा करो और सुमरण करके अपने बारे में सोचा करो कि हां ये मेरे में गलत आदत है। कितना अच्छा होगा अगर आप अपनी गलत आदत को खुद ही बदल डालो, इससे पहले कि कोई आपके उंगली उठाए, कोई आपको कहे कि आप ये गलत करते हो, क्यों ना खुद का ज्ञान हासिल करके वो आदत ही निकाल डालो। बेइज्जती भी फील नहीं होगी और आप गुणवान भी बन जाएं। किसी को कहने की जरूरत भी नहीं और आप गुणवान बनते जा रहे हैं, और जो जो गुणवान बनते जाओगे त्यों त्यों मालिक की दया में रहमत के लायक बनते जाओगे। तो आत्मबोध, आत्मज्ञान,
फिर शुरू होता है, जब हम अपने बारे में सोच लेते हैं। और ये हो नहीं सकता सत्संगी एक राम नाम से जुड़े इंसान को खुद का ज्ञान ना हो। अगर वो गुरु पीर फकीर के वचनों को फॉलो करे माने तो उसे समझ आएगी, हां ये मेरे में कमियां हैं, ये अवगुण हैं और ये गुण हैं। और उनको निकालते निकालते आप गुणवान बनेंगे तो फिर आत्मज्ञान शुरू हो जाएगा। सुमरण के साथ आत्मा की तरक्की होनी शुरू होगी। जब उदाहरण अगर दें, जमींदार भाई जितने बैठे हैं सब जानते हैं, जमीन को अच्छी तरह से जुताई करी हो, घास फूस कचरा साफ किया हो और बरसात पड़ जाए या पानी अच्छे से लगा दो तो फिर जो भी बीज डालोगे धरती का सीना फाड़ के बाहर निकल आएगा, लहलहाएगी फसल। पर अगर पहले ही बहुत ग्रास है, घास फूस है, जमीन उससे अटी पड़ी है, भरी पड़ी है और कितनी भी बरसात पानी लगा दो जो बीज डालोगे मरियल निकलेगा, क्योंकि घास फूस जितना भी है वो सारा जमीन की शक्ति को हासिल कर लेता है और जो बीज होना चाहिए वो नहीं। तो उसी तरह आपके कर्मों का घास फूस, आपके जन्मों जन्मों का घास फूस, जो आपके भयानक कर्म हैं जिसकी वजह से आपको अवगुण आ गए, गलत आदतें आ गई, जब अपने बारे में सोचोगे वो आदतों का पता चलेगा तो राम नाम से वो घास फूस साफ हो जाएगा। और फिर जैसे आपको बोला कि जमीन साफ सुथरा पड़ी है, जुताई करके रख रखी है, पानी देते हैं, बीज डालते हैं तो झट से लहराती हैं फसलें, उसी तरह ऐसे शरीर में जो बिल्कुल साफ सुथरा है राम नाम का बीज डालते ही वो फलना फूलना शुरू हो जाता है और आत्मा तरक्की करने लगती है। शुरुआत में किसी किसी को महसूस होता है कि उसके शरीर में से कुछ ऊपर की तरफ जा रहा है। जब गुरु मंत्र का जाप करते हैं, जब आत्मज्ञान की शुरुआत होती है, किसी किसी को, जिसका मतलब होता है कि आत्मा है जो उस पैर के अंगूठे से लेके सिर तक है और वो सिमट रही है, सिमट रही है, ऊपर की तरफ जा रही है। और किसी को इसका बोध नहीं होता, आप सुमन कर रहे हैं, करते करते अचानक आपकी आंखों के सामने एक छोटा सा बिंदु लाइट रोशनी दिया जैसे होता है मोमबत्ती की लौ, ऐसी लौ नजर आती है। सीधा सा मतलब आपका ध्यान जमने लगा है, आत्मज्ञान की तरफ आपने तरक्की कर ली है, कंसंट्रेट होने लगा है। और आत्मा जैसे यहां पहुंचती है तो एक चुंबकीय खिंचाव, मीठा मीठा एहसास होता है, जिसका मतलब आत्मा शरीर से सिमट के उस द्वार में प्रवेश कर रही है जिससे आत्मज्ञान शुरू होता है। और जैसे द्वार में आत्मा प्रवेश करती है अंदर, क्या नजारा होता है। हमने शायद फेसबुक पे आपको हंसाने के लिए एक बार ये जिक्र किया था कि अगर आदमी उड़ता होता तो क्या होता, और यकीनन आदमी उड़ता है बाहर से नहीं अंदर से। क्या आपका दिल नहीं करता कि आप नीले गगन में उड़ते फिरो, क्या आपका दिल नहीं करता कि इन तारों के पास छू के निकल जाओ, क्या आपका दिल नहीं करता चंद्र सूर्य नक्षत्र ग्रह को पार करके आगे देखें, है क्या आसमान आखिर कहां खत्म होता है, कहां चंद्रमा से आगे सूर्य से आगे कहां। इच्छा तो होती है पर कर नहीं पाते आप सोचते हो कौन रॉकेट बनाए, पता नहीं कोई दुनिया में एक आध बनाता, अरे आप खुद स्वयं रॉकेट हैं। आपकी आत्मा की जितनी स्पीड है प्रकाश तो उसके नजदीक भी नहीं है, इतनी स्पीड है आपकी आत्मा की, इतनी गति है आपकी आत्मा की, पलक झपकते ही वो खंड ब्रह्मंड पार कर जाती है, इतनी स्पीड है।
पर उस आत्मा को ईंधन तो देना होगा, सारा दिन मन की खुराक, सारा दिन शरीर की खुराक, तो आत्मा की खुराक राम का नाम है। जैसे ही आत्मा इस प्रवेश द्वार में, दसवें द्वार में प्रवेश करती है, तो फिर आत्मज्ञान होता है, खुद को फील होता है कि मैं उड़ रहा हूं। फिल्म में भी आपने सुना मैं तो उड़ूंगा, वैसे तो वो हंसने का है, लेकिन हकीकत में भी आप उड़ सकते हैं, वो क्योंकि फकीर ऐसे वैसे तो करता नहीं कुछ, आप उड़ सकते हैं रखी रियल में, और उड़े भी ऐसे, ना रॉकेट उड़े, ना जहाज उड़े, ना कुछ और उड़े, लेकिन अंदर ही अंदर उड़े, बाहर नहीं। बाहर की तो एक कल्पना है, आपके पंख होते या ये होता या वो होता, तो वो तो कल्पना बना के बातें कर सकते हैं, लेकिन वास्तविकता यही है, आपके पंख भी हैं, सब कुछ है, स्पीड भी आपकी बेहद ज्यादा है, लेकिन आप गाड़ी का इंजन ही बंद किए बैठे हैं। अब गाड़ी चाहे 1000 किलोमीटर प्रति मिनट भागती हो या 1 घंटे में 1000 किलोमीटर दौड़ती हो, अगर इंजन ही बंद है तो क्या करेगा? इंजन तो स्टार्ट करना पड़ता है ना, उसमें ऑयल डालने पड़ते हैं, आप प्लग वगैरह सब चेक करते हैं, बैटरी का करंट देना है, सब कुछ। तो वैसे ही आपकी आत्मा का इंजन बंद हुआ पड़ा है, आपने उसको स्टार्ट कभी किया ही नहीं, तो ध्यान में बैठिए, इस द्वार में प्रवेश कीजिए, दसवें द्वार में, और जैसे ही ये इंजन स्टार्ट होगा, बस एक बार स्टार्ट करने की देर है, फिर तो ये ऑटोमेटिकली स्टार्ट होता है। आप ऑटोमेटिकली गाड़ियां देखते हैं, गियर नहीं लगाना पड़ता, एक बार गियर लगा के छोड़ दो, चलती रहती है। इसके एक बार ही गियर लगाना मुश्किल है, बाद में गियर लगाना ही नहीं पड़ता, ना ईंधन डालना पड़ता, कुछ नहीं, एक बार ईंधन डाल के यहां तक लेके आओ, और ईंधन है राम का नाम। राम का नाम जपते रहो, आत्मा बलवान होती जाएगी, और एक बार यहां प्रवेश कर गई, उसके बाद आपको कुछ गुनगुनाना नहीं, कुछ भी नहीं करना, अपने आप आत्मा स्पीड पकड़ती है, आत्मज्ञान आपको पता चलता कि मैं कितना शक्तिशाली हूं। जब सूरज के पास से, सूरज नहीं, सूरजों के पास, चंद्रमाओं के पास आप निकलते हैं, क्या नजारा होता है, कितनी खुशी आती है अंतकरण में, और फिर आत्मा से परमात्मा का ज्ञान शुरू होता है। आत्मज्ञान हो गया, फिर भगवान का ज्ञान शुरू होता है। फिर कहती है आत्मा, ओ इतने बड़े समुन्द्र का मैं एक कतरा हूं। पहले तो यह लगता कि मैं बड़ी पावरफुल हूं, लेकिन जैसे सुई की नोक की तरफ बंद होता है ये खंडों ब्रह्मंडों को, वो उस रास्ते से आगे निकलती है, पार ब्रह्म होती है, तब पता चलता है ओहो मैं तो एक कण हूं, मालिक तो बड़े विशाल का है। क्या नजारे हैं वहां, क्या खुशियां हैं वहां, लेकिन बताने से आपको लगता पता नहीं झूठ है, लेकिन महसूस करोगे तो पता चलेगा सच। पर आप टेंशन लेके वहां नहीं जा सकते, आप सुमरण करने बैठो, भक्ति करने बैठो, मेरे को वो नजारा क्यों नहीं मिल रहा, उम्र पता नहीं कितनी बाकी है, पता नहीं कब पटाखा बोल जाए, तो ये तो आपकी कमी है ना। बचपन से बुढ़ापे तक कितनी भक्ति की और कितना समय बाकी कामों में लगाया, कैलकुलेट कर लो, फिर भगवान को लंबा दे देना। हम आपको गारंटी देते हैं, ज्यादा समय दुनियादारी या शारीरिक मानसिक कामों में लगाया है, आत्मिक ज्ञान के लिए तो आपने समय ही कुछ जिंदगी के कुछ साल बनते होंगे किसी किसी के, वरना महीनों में अटके पड़े हो, कैलकुलेट कर लो, रोज का आधा घंटा तो कितने दिन लगेंगे एक दिन होने में, क्योंकि दिन तो 12 घंटे का, सोच के देखो आप 24 दिन में आप कितना कर पाओगे। तो कहने का मतलब यह है कि 24 दिन में एक दिन बनेगा, अगर आधा घंटा आप करते हैं रोज भक्ति और घंटा करते हैं तो 12 दिन में एक। कहने का मतलब यही है कि समय कितना दिया ईश्वर को, फिर टेंशन किस बात की, बस उसकी दया मांगो, वो दया करे तो 2 मिनट में नजारे दिखा दे, उसका कुछ भरोसा नहीं, क्योंकि वो दया का समुंदर ऐसे ही नहीं कहलाता। हमने हर धर्म के पवित्र ग्रंथों को पढ़ा, पवित्र वचनों को पढ़ा, सभी में आता है कि वो दया का समुंदर है, रहमतों का भंडार है, पर उसके रहमत के लिए हम अपने शरीर को तो तैयार करें। कहते मूसा ने जिद की थी, नहीं ईश्वर
अल्लाह मुझे तो दर्शन करने ही करने और जहरा तौर पे करने। शरीर उस काबिल नहीं बना था, जिद करता गया करता गया करता गया, राम को अल्लाह को भी आ गया कि चलो नजारा दिखाई देते हैं। कहते सुई का जो बारीक छिद्र होता है, सुई का जो बारीक तीखापन होता है, सिर्फ उतनी जगह से दर्शनों की एक झलक दिखाई और सालों साल मूसा जी बेहोश पड़े रहे, झेल ही नहीं पाए, शरीर उसके काबिल नहीं था। तो कई बार आपको जिद होती है, मैं तो जायज मांगता हूं जी, मैं तो दर्शन चाहता हूं जी, फिर मुझे क्यों नहीं होते? अरे बॉडी कागज की और आग को समाना चाहता है, शरीर में जल जाएगा ना सब कुछ। पहले बॉडी फलाद की होनी चाहिए, वज्र की होनी चाहिए, तो ज्वालामुखी को भी झेल जाती है, उस लायक बनाना पड़ेगा। और उसके लिए निरंतर राम का नाम जपना, राम नाम जप के अपनी बॉडी को उसके लायक बनाना है, ताकि राम जी जब दर्शन दें तो हमारा शरीर उसके काबिल हो, उसे झेल पाए, दर्श दीदार कर पाए। और ये संभव है निरंतर अभ्यास से। कहते जी रोज भक्ति नहीं होती। अब ऐसे आप बहुत सारे लोग बच्चे कहते हैं आजकल का यूथ, ये बोरिंग काम है, रोज ही एक चीज को बार बार दोहराना, ये तो बोरिंग है। अगर आपके हिसाब से चले तो सारे बोरिंग है। आप रोज पोटी क्यों जाते हो? ये बोरिंग काम है, रोज ही जाते हो, क्यों जाते हो भाई? आप रोज सुबह सुबह ब्रेकफास्ट करते हो, क्यों करते हो? रोज एक ही चीज, ये तो बोरिंग है। रोज खाना खाते हो, लंच, रोज ही लंच, ये भी तो बोरिंग हो गया ना। रोज डिनर करते हो, सारा बोरिंग। रोज नहाना, रोज कपड़े बदलना, सब बोरिंग है ना, क्यों करते हो फिर? वो तो जी करना पड़ता है, तो ये भी करना पड़ता है। अगर कुछ हासिल करना है, अगर ईश्वर के दर्श दीदार करने हैं, नूरी स्वरूप को देखना है प्रभु के, तो अभ्यास रोजाना करना होगा, ताकि ये शरीर उसके काबिल बने। और जब बन गया, नजारे वो आएंगे जो कहने सुनने से परे। शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने तो बड़ी रहमत की हुई है। सुमरण अभी आपने इतना किया नहीं होता, भक्ति करी नहीं होती, थोड़ी भावना शुद्ध होती है, सेवा करते हो, हाजरी सत्संग में लगाते हो, और परमात्मा दर्श दीदार देने शुरू कर देता है। कभी सपने में, कभी भुलेखा पड़ गया, कभी जहरा तौर पे, कभी कैसे, वो संतों के रूप में आते ताकि आपका शरीर उसको झेल सके, पर देता भगवान ही दर्शन है, फिर भी आप उनको मानते नहीं। यार आप लेखा जा प्यासी, ऐसा हुआ तो था जरा सा, तो वो तो आपकी मर्जी है ना, आप उसको रियल को भुलेखा कह दो। क्योंकि जो पीर फकीर सच्चा है, मालिक परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु राम, उस रूप में आके दर्शन जरूर देता है। जो उसे इग्नोर मार देता है, दर्शनों में समय लग जाता है। जो उसे स्वीकार कर लेता है कि हाँ नहीं ये जहरा तौर पे हुआ है, सही हुआ है, तो उसकी वो दर्शनों की संख्या बढ़ती चली जाती, जल्दी जल्दी होते होते क्या पता कब नूरी स्वरूप में बदल जाए, कुछ कहा नहीं जा सकता। तो कितनी बड़ी छूट शास्त्र नाम श्याम मस्तान जी दाता ने भक्ति भाव में राम के थोड़े से शब्द बता के किए। लंबा चौड़ा कुछ नहीं करना, बस थोड़े से शब्द दोहराओ, शरीर को इस लायक बना लो कि मालिक जल्द से जल्द दर्श दीदार देने लगे। तो आप अमल कीजिए, भरोसा कीजिए, तो मालिक की दया में रहमत तो बरस रही है, बस देखने की आंखें बना लीजिए, एहसास कीजिए, महसूस कीजिए, और अपनी जिंदगी को संत पीर फकीरों के वचनों के अनुसार बनाते चले जाइए। अंदर बाहर मालिक के रहमो करम की खुशियों को महसूस करोगे, परिवार में खुशियां आएंगी, और जो नजारे, जो नशा, जो आनंद मिलेगा वो आप जाने या भगवान जाने। धन धन सत्य गुरु तेरा ही आसरा।